कलावती भुरिया और नागर सिंह चौहान के बीच सुलग रही विवाद के बीच अलीराजपुर जिले की सियासत ठंडी पड़ रही थी, लेकिन इसी बीच बड़वानी के बीजेपी जिलाध्यक्ष ओम सोनी ने जोबट में जो बयान दिया उसको लेकर सियासत गर्मा गई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे पर धरने पर बैठे ये कांग्रेसी कलावती भुरिया के खिलाफ की गई बड़वानी बीजेपी जिलाध्यक्ष ओम सोनी की एक टिप्पणी से खफा हैं। वो चाहते हैं कि ओम सोनी ने एक महिला का अपमान किया है, वो भी एक आदिवासी विधायक का, इसलिए उनके खिलाफ एक्ट्रोसिटी एक्ट यानी एससी एक्ट में FIR दर्ज की जाए। इसको लेकर वो अजय के थाने पहुंचे। इसके पहले ओम सोनी का उन्होंने पुतला फूका सिनेमा चौराहे पर, और उसके बाद ये अजय के थाने का घेराव किया। करीब 15 मिनट के घेराव के बाद भी जब FIR पर बात नहीं बनी, बवाल नहीं हुई और FIR हो जाए और इसके बाद जांच होया करेगी। मेरा निवेदन ये है, जांच होया करेगी, जांच होया करेगी। जो धारा के अंतर्गत कोई भी आता है, एक एट्रोसिटी एक्ट का मामला है ये, और 506 की धारा है, 4-5 धारा 291 की है। वकील साहब को बुला लो। आप कहां लगा देते हैं? नहीं, हम तो FIR काफी मांगेंगे। चलो तो खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे पर ये कांग्रेसी धरने पर बैठ गए। ये धरने पर बैठे उसकी वजह बताने के पहले अब आपको हम दिखाते हैं ओम सोनी का वो 17 सेकंड का वीडियो, जिसमें ओम सोनी कह रहे हैं कि कलावती भुरिया सूपनखा है और हम उसकी नाक काट के ले जाएंगे। और आप बात कर रहे थे कलावती की, अरे सूपनखा तो सूपनखा होती है, इसकी तो नाक काट के ले जाएंगे। हाँ, अब वो मुकाबला में नहीं रहे, अब सरकार भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में और दिल्ली में, अब जो हम चाहेंगे वो हम। तो यही वो वीडियो था जिसको लेकर सियासत गर्म हो गई है, एक बार फिर से सुलग गई है, और कांग्रेस ने आज धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के पक्ष रखने के पहले आपको हम कलावती भुरिया कि ये तस्वीरें बताते हैं, जिसमें उनका दर्द सूपनखा वाले बयान के बीच छलक गया, उनकी आंखों से आंसू निकल आए, भावुक हो गई और कहा कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मुझे इस तरीके से अपमानित किया जा रहा है। सुनिए कलावती भुरिया को। क्या हम नाक काट लेंगे कलावती भुरिया? क्या है फलाड़ा? कोई विदेशी केरा? कोई क्या है? क्या चाहते है? मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो आरोप प्रत्यारोप के बीच में जिस तरीके से कांग्रेस ने आज अलीराजपुर में हंगामा किया, धरना दिया, चक्का जाम किया, वाहनों की दोनों ओर लाइनें लग गईं, उसके बीच में मांग यही थी कि ओम सोनी को बीजेपी हटाए और साथ ही साथ उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के तहत FIR दर्ज की जाए। सुनिए क्या कहा महेश पटेल और मुकेश पटेल ने। आज हमने अजाक थाने पर SDOP साहब को हमने ओम सोनी के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ कायमी करने के लिए आवेदन दिया, जिन्होंने ओम सोनी ने कि जोबट में हमारी विधायक कलावती बहन को एक अपमानजनक भाषण देके उसका नाक काट देंगे करके मतलब वहाँ पे बोला, और सरकार मध्य प्रदेश में हमारी है और केंद्र में हमारी सरकार है तो हमारा कोई बाल नहीं बिगाड़ सकता। एक नारी के साथ, एक आदिवासी महिला के साथ, एक विधायक के साथ जो ओम सोनी ने ऐसा बयान दिया कि नाक काट लेंगे, तो इसलिए आज हमने पूरा ये खंडवा बड़ौदा को हमने चक्का जाम करके जब तक FIR नहीं होगी वब तक कांग्रेस कार्यकर्ता चाहे 8 दिन हो जाएंगे चाहे 10 दिन हो जाएंगे हम नहीं उठेंगे, FIR करा के ही रहेंगे। देखिए भगत जी, अभी बीच में जोबड़ में कार्यक्रम हुआ था और एक बड़वानी का जिलाध्यक्ष ओम सोनी वो यहाँ आके हमारे कलावती बहन को जो अपशब्द के नाक काटने की जो अपशब्द के एक सबसे पहले मैं बहुत निंदा करता हूँ और आदिवासी समाज की तरफ से भी निंदा करता हूँ। आज हमारे समाज को जो इन्होंने एक महिला के खिलाफ जो किया उसके लिए हम आज थाने पे अध्यक्ष थाना पे हम लोग आए और ओम सोनी के खिलाफ FIR कराने के लिए, लेकिन यहाँ SDOP साहब जो बोल रहे हैं हम जांच करके FIR करेंगे, लेकिन हमने सबूत दिए हैं, आदिवासी जितने मेरे विधायक हैं और बहने हैं हम सब मिलकर विधानसभा मुद्दा उठाएंगे। कल तक ऐसा लग रहा था कि कलावती भुरिया और नागर सिंह चौहान के बीच उठा विवाद थम जाएगा,
लेकिन ओम सोनी के भी ओम सोनी के इस बयान के बाद अब सियासत फिर से सुलग गई है और चर्चाएं ये है कि परसों कांग्रेस इसका जोबट में जवाब देगी। करीब आधा दर्जन से ज़्यादा विधायक जोबट में आने की संभावना है, जिसमें चर्चाएं हैं जीतू पटवारी की, बाला बच्चन की, कांतिलाल भूरिया की, और यहां पर एक जनाक्रोश रैली कांग्रेस कर सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं हुआ है। खैर, इस मामले में जो भी अपडेट होगा आपको हम बताएंगे ज़रूर, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।